ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन द वेले। शुरुआत में हम एक आदमी को बड़ी स्टाइल से कार चलाते हुए देखते हैं। फिर वह आदमी होटल के सामने कार को किसी और को देता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में कार चलाने वाला आदमी उस होटल का वेले है। वेले की जॉब कार को पार्क करना और वापस गेट पर लाना होता है ताकि गेस्ट को खुद पार्किंग न करनी पड़े। इस आदमी का नाम एंटोनियो है। ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। होटल से घर जाते हुए अपने बेटे जॉर्ज को स्कूल से पिक कर लेता है। एंटोनियो अपनी मॉम और अपने बेटे के साथ रहता है। एंटोनियो की वाइफ एलिजाबेथ अलग हो चुकी है। जब एंटोनियो घर पहुंचता है तो उसके घर से मिस्टर किंग बाहर निकल रहे होते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं कि तुम्हारे बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने ठीक कर दी। ये सुनकर एंटोनियो अपनी मॉम से पूछता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हफ्ते में 3 बार हमारा बाथरूम खराब होता है। एंटोनियो की मॉम कहती है ये घर बहुत पुराना है इसलिए बार बार प्रॉब्लम आती है। एंटोनियो फिर भी नहीं मानता तो उसकी मॉम कहती है कि मिस्टर किंग मेरे लवर हैं। एंटोनियो अपनी मॉम से पूछता है आपको कोरियन भाषा नहीं आती और मिस्टर किंग्स को स्पेनिश नहीं आती तो फिर आप दोनों बातें कैसे करते हो। तभी एंटोनियो की मॉम फिल्मी स्टाइल में बोलती है वे एक दूसरे की प्यार की भाषा समझ जाते हैं। ये सुनकर एंटोनियो बेहोश होने वाला होता है पर वे अपनी मॉम से कहता है प्लीज अपनी पर्सनल बातें मुझे मत बताइए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक फेमस एक्ट्रेस ओलिविया जो चोरी छुपे अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड विल्सन को मिलने जाती है। विल्सन से शादी भी करना चाहती है। अगले दिन ओलिविया अपने ऑफिस में मोबाइल देखती है और उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी और विल्सन की पिक्चर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। दूसरी तरफ विल्सन की वाइफ पिक्चर देख लेती है। विल्सन अपनी वाइफ को झूठ बोलता है उसके साथ कोई ओलिविया नहीं है वह तो उसको जानता तक नहीं और ये पिक्चर तो एक पब्लिक पैलेस की है। फोटो में नजर आ रहा दूसरे आदमी के साथ थी। गलती से एंटोनियो फोटो में आ गया था। विल्सन का बॉस उसे कहता है कि उसकी कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगे अगर ये साबित हो गया सच में तुम्हारा और ओलिविया का अफेयर चल रहा है तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। विल्सन का बॉस कहता है क्यों ना हम दूसरे आदमी को ओलिविया का बॉयफ्रेंड बना दें तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये बात विल्सन ओलिविया से कहता है। इसके बाद ओलिविया मान जाती है। विल्सन का बॉस एंटोनियो से जाकर मिलता है और एंटोनियो को कहता है तुम्हें ओलिविया का बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी तुम्हें इस काम के काफी रुपए मिलेंगे। एंटोनियो उनकी मदद के लिए मान जाता है मगर एंटोनियो सिर्फ $12,850 मांगता है। अगले दिन एंटोनियो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। दोस्त एंटोनियो से कहते हैं बस तुम्हारी हाइट थोड़ी छोटी है शरीर ज्यादा पतला है और तुम्हारा चेहरा थोड़ा अजीब है बाकी सब ठीक है। ये सुनते ही उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और एंटोनियो को सबके सामने किस कर देती है। एंटोनियो के दोस्त और होटल के गेस्ट सब देख कर दंग रह जाते हैं। फिर ओलिविया एंटोनियो को अपने साथ लंच पर ले जाती है। ओलिविया एंटोनियो को मुसीबत में डालने के लिए सॉरी कहती है परंतु एंटोनियो मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि ये नाटक ही सही पर उसे खूबसूरत ओलिविया को डेट करने का मौका मिल गया था। रेस्ट रूम के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े होते हैं जहां सब ओलिविया से विल्सन के बारे में पूछते हैं। ओलिविया कहती है वह किसी विल्सन को नहीं जानती वह तो एंटोनियो को प्यार करती है और मिस्टर एंटोनियो मीडिया को स्माइल देते रहते हैं। ओलिविया एंटोनियो से बोलती है क्या तुम अपनी मूंछों से बहुत प्यार करते हो। एंटोनियो बोलता है हाँ पर इतना भी नहीं। ओलिविया बोलती है मेरी मूवी का 2 दिन में प्रीमियर है तुम्हें साथ रहना होगा। ओलिविया से मिलने के बाद एंटोनियो होटल वापस पहुंचता है मगर एंटोनियो फेमस हो चुका था। दूसरी तरफ एंटोनियो का बेटा और उसकी वाइफ फोटो देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में एंटोनियो बिना मूंछों के ब्लैक सूट में तैयार होता है। उसको लेने एक ब्लैक कलर की कार प्रीमियर के लिए आ जाती है। ओलिविया और एंटोनियो दोनों नर्वस होते हैं कहीं उनका भांडा फूट न जाए। एंटोनियो मीडिया के सामने बस अपना सिर हिलाता रहता है। एक टीवी रिपोर्टर एंटोनियो से पूछता है किस डिजाइनर का ये सूट है। एंटोनियो बोलता है ये किसी डिजाइनर का नहीं ये मैंने अपने भाई की शॉप से उठा लिया था। मूवी थिएटर के अंदर एंटोनियो पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेकर पहुंच जाता है। ओलिविया से कहता है ये सब यहाँ पर फ्री मिल रहा है। मूवी के बाद विल्सन कैथरीन नजर आते हैं। कैथरीन ओलिविया से मिलने आ जाती है। कैथरीन ओलिविया से कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ एंटोनियो और तुम कैसे मिले थे। ओलिविया ऐसे ही झूठी कहानी सुना देती है। विल्सन चोरी छिपे बाथरूम में ओलिविया से मिलने आता है। ओलिविया विल्सन को बोलती है तुमने जैसा बताया था अपनी वाइफ के बारे में वो वैसी बिल्कुल भी नहीं इतनी सुंदर इतनी समझदार वाइफ को तुम कैसे छोड़ सकते हो। विल्सन कहता है कैथरीन घर में एक मॉन्स्टर है और वह उसे बहुत जल्द छोड़ देगा। लेकिन ओलिविया उदास होकर वहां से चली जाती है। बाहर कैथरीन एंटोनियो को $1,00,000 ऑफर करती है सच जानने के लिए लेकिन एंटोनियो कैथरीन को बोलता है ओलिविया मेरी गर्लफ्रेंड है और वो वहां से चला जाता है।
जाता है। बाहर आकर एंटोनियो देखता है ओलिविया नशे में है। एंटोनियो किचन के रास्ते से बाहर ले जाने लगता है। एंटोनियो को देखकर खुश हो जाते हैं सभी किचन स्टाफ वाले, एंटोनियो के लिए ताली बजा रहे होते हैं और उसे कहते हैं लव यू एंटोनियो। एंटोनियो को पहली बार इम्पोर्टेड होने का एहसास होता है। एंटोनियो ओलिविया को अपने घर ले जाता है और अपने बेड पर सुला देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। अगले दिन की सुबह ओलिविया जागती है, खुद को एंटोनियो के घर में देखकर हैरान रह जाती है। जब वे दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो एंटोनियो की सारी फैमिली बाहर उनका वेट कर रही होती है। एंटोनियो की बहन क्लारा ओलिविया को ब्रेकफास्ट खिलाती है। ओलिविया एंटोनियो की फैमिली का आपस में प्यार देकर खुशी महसूस कर रही थी। तभी एलिजाबेथ आ जाती है और ओलिविया को देखकर चली जाती है। एंटोनियो ओलिविया को बताता है एलिजाबेथ उससे अलग हो गई है, पर मुझे हमेशा यही लगता है वो एक दिन वापस आएगी। ओलिविया कहती है तुमको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ओलिविया एंटोनियो के घर से जाते हुए एंटोनियो को गले लगाकर थैंक्स कहती है। ओलिविया की मूवी हिट हो जाती है और वह विल्सन को खुशी जाहिर करने के लिए फोन करती है, मगर विल्सन ओलिविया से पूछता है कल रात तुम कहां थी और फोन काट देता है। ओलिविया सोचती है वह इतनी बड़ी स्टार है पर आखिर में वह बिल्कुल अकेली है। ओलिविया एंटोनियो से मिलने होटल चली जाती है। जब दोनों बाहर निकलते हैं ओलिविया देखती है विल्सन ने ओलिविया और एंटोनियो के पीछे जासूस लगा दिए। एंटोनियो अपनी साइकिल पर बैठाकर ओलिविया को छोटी सी गली में ले जाता है। अब उन जासूस की कार उनके पीछे नहीं आ सकती। इस नजारे को देखकर ओलिविया को बहुत जोर से हंसी आती है। वह एंटोनियो से कहती है वह अकेला नहीं रहना चाहती, क्या उसकी घर चल सकती है। जिसके बाद एंटोनियो ओलिविया को अपने घर ले जाता है, मगर इन जासूस को एंटोनियो की मॉम देख लेती है और बोलती है एंटोनियो तुमने मेरे और मिस्टर किंग के लिए जासूस लगाए हैं। ओलिविया कहती है यह जासूस विल्सन ने लगाए हैं हमारे पीछे, उसको पता करना है हमारे बीच कुछ चल तो नहीं रहा। ओलिविया एंटोनियो को बोलती है चलो आज विल्सन को बता ही देते हैं। फिर दोनों अपने आप को बंद कमरे में ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वे दोनों कपल हों। जासूस दोनों की फोटो विल्सन को भेज देते हैं। अगले दिन एंटोनियो की वाइफ बात करने के लिए बुलाती है और एंटोनियो से कहती है मैंने बहुत सोचा पर मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर एंटोनियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे उदास हो जाता है। जब घर में ओलिविया को ये पता चलता है तो वह एंटोनियो से कहती है तुम कोई ऐसी पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते जो तुम्हारी रेस्पेक्ट करे। एंटोनियो गुस्से में आकर ओलिविया से कहता है ये बात तुम जैसी लड़की बोल रही हो जो एक शादीशुदा आदमी से मिलती है। ये सुनकर ओलिविया कहती है तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। एंटोनियो कहता है तुम वापस अपनी स्टार लाइफ में चली जाओगी लेकिन मैं हमेशा की तरह अकेला रह जाऊंगा। जैसे ही वे दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर खड़े होते हैं तो एंटोनियो कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर ओलिविया वहाँ से चली जाती है, पर तभी वहाँ विल्सन आ जाता है और एंटोनियो के पंच मारकर बोलता है तुम्हें पैसे नाटक करने के लिए दिए थे, ओलिविया से प्यार करने के लिए नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हें पैसा भी नहीं दूंगा। पर अगले दिन विल्सन का बॉस एंटोनियो से मिलने आता है और उसे $25,000 देते हुए कहता है कि तुम ही जो करने के लिए बोला गया था वह तुमने किया तो प्लीज ये रुपए रख लो। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को अटैक आ जाता है, पर जब तक एंटोनियो हॉस्पिटल आता है उसकी माँ मर चुकी थी। अपनी मॉम की फ्यूनरल पर एंटोनियो कहता है उसकी मॉम बहुत अच्छी थी जिन्होंने अकेले ही उसको और उसकी बहन को खुशी और अच्छी जिंदगी दी। फिर एंटोनियो मिस्टर किंग को कहता है मेरी माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और थैंक्स उनकी जिंदगी को आखिरी पलों को खुशियों से भरने के लिए। अगले दिन एंटोनियो ओलिविया से मिलने जाता है। ओलिविया कहती है उसे आज ही उसकी माँ के बारे में पता चला और उसे बहुत दुख हुआ। एंटोनियो ओलिविया को सॉरी कहता है और उसे समझाता है कि विल्सन उसके लायक नहीं है। ओलिविया कहती है वह विल्सन को जल्दी छोड़ देगी क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि पार्टनर कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल्सन अपने घर जाता है तो कैथरीन मौका पाकर उसका फोन चेक करती है। फिर दिखाते हैं कि ओलिविया को एक फोन आता है और वह उसी होटल में जाती है जहाँ वह विल्सन से मिला करती थी। विल्सन ओलिविया को देखकर खुश हो जाता है, पर जैसे ही ओलिविया अपना चेहरा निकालती है तो विल्सन चौंक जाता है क्योंकि वह ओलिविया नहीं एंटोनियो होता है। एंटोनियो विल्सन को बोलता है मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर लाया हूँ और तुमसे कोई बात करना चाहता है, और फोन पर कैथरीन होती है। वह विल्सन को बोलती है मैं तुमको डिवोर्स दे रही हूँ और अपने पिता की कंपनी भी वापस ले रही हूँ। विल्सन कहता है ओलिविया मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ओलिविया को छोड़ दूंगा। तभी कैथरीन के पास में
में ओलिविया होती है। ओलिविया विल्सन को कहती है, तुम क्या किसी को छोड़ोगे, हम दोनों तुमको छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एंटोनियो विल्सन के पंच मारता है और कहता है ये ओलिविया को दुख पहुंचाने के लिए, जिसके बाद कैथरीन एंटोनियो की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। मूवी के आखिर में दिखाते हैं कि मिस्टर किंग एंटोनियो की कहानी और लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं और अक्सर घर जाकर इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ विल्सन को कंपनी में फ्रॉड करने के कारण पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एंटोनियो और ओलिविया एक दूसरे के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह शानदार मूवी का एंड होता है। दोस्तों, आपको अगर मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा तो प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब, और आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।